Hello student, welcome to our exam bee. This is Himani. So student, in continuation with the series of CPSS, today's topic is lac culture. Okay, so basically what lac culture is. So the scientific rearing of lac insect for commercial production, that is lac culture. Okay, ये आपके economic entomology का part है. Beneficial insect आप जिसमें study करते हैं, means आप इसमें insect की rearing करते हैं, उससे आप benefit derive करते हैं, so that is उसी में आपका क्या आता है, लैक कल्चर आता है. एपिकल्चर, लैक कल्चर, सेरिकल्चर, ये सब आपके इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी के अंडर आते हैं. एंड जो आपका लैक कल्चर होता है, तो उसमें आप लैक इंसेक्ट को ग्रो करते हैं. ठीक है, अब कैसे कैसे होता है आज की वीडियो में हम इसे जानेंगे. ओके, सो आपने देखा होगा मार्केट में, आप जब जाते हैं तो आपने देखा होगा मोस्ट कॉमन थिंग इज लाक की चूड़ियां. ओके, तो आपने देखा होगा लैक बैंगल्स, आपने ये देखे नेल पेंट में भी शाइनी अपीयरेंस आपने देखी होगी. पेंट्स होते हैं, वार्निशेस होते हैं, ठीक है. एंड इनफैक्ट जो आपके फ्रूट्स होते हैं उनमें भी जो कवर शाइनी अपीयरेंस होती है, दैट इज ड्यू टू लैक. ठीक है, तो इसमें एक लैक लगा लिया, लैक की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ये शाइनी अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है. ओके, अब इसको कल्टिवेट कैसे करते हैं. ठीक है, अब ये तो हो गया कि लैक की वजह से होते हैं, आपने ये सब हैंडमेड प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे हैंडीक्राफ्ट्स में. तो ठीक है, ये तो ठीक है कि ये लैक से बनता है. अब लैक आता कहाँ से है, तो लैक आता है आपके एक इंसेक्ट से, जिसे आप क्या कहते हैं, लेसिफर लैका या फिर केरिया लैका. ओके, इस इंसेक्ट से आप क्या करते हैं, ये लैक को डिराइव करते हैं. ओके, एंड ये जो एक्चुअली जो आपका लैक होता है ना, वो एक रेजिनस सब्सटेंस होता है, जिसको आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद ड्राई करते हैं, ग्राइंड करते हैं, एंड ये रिलीज होता है फीमेल की बॉडी से. ओके, जो आपका फीमेल लैक इंसेक्ट है उसकी बॉडी से ये लैक जो होता है सीक्रेट होता है. एंड उसके बाद आप इसके क्या करते हैं, इसको ड्राई करते हैं, ग्राइंड करते हैं, फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं. सो बेसिकली लैक कल्चर क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक रेयरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट वो कमर्शियल प्रोडक्शन. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, लैक इंसेक्ट को साइंटिफिकली रेयर करते हैं एंड उससे फिर क्या करते हैं, कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं चीजें. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है लैक बैंगल्स हो गए. ठीक है, एक बहुत फेमस सेइंग है, लाख से लखपति, मीन्स अगर आप इसमें लाख का कल्टिवेशन करके, लैक का कल्टिवेशन करके आप क्या बन सकते हैं, आपकी अर्निंग क्या हो सकती है, लाख लाखों लाखों में आपकी अर्निंग हो सकती है. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, देखिए जो होस्ट प्लांट्स हैं इसमें, अब होस्ट प्लांट्स कौन कौन से हैं. ठीक है, तो होस्ट प्लांट में आता है आपके कुसुमी, इसके दो स्ट्रेन होते हैं, वन इज कुसुमी एंड अनदर वन इज रंगीनी स्ट्रेन. ठीक है, तो कुसुमी स्ट्रेन जो होती है उसे कुसुम ट्री पर ग्रो किया जाता है, वेर इज रंगीनी स्ट्रेन जो होता है उसको इनमें, ये रंगीनी बेर पलाश इन सब ट्रीज में इसे ग्रो किया जाता है. ओके, अब ये आता कैसे. ठीक है, ये कुछ ऐसा आपका लैक होता है जो बाद में फाइन ग्राउंड होके कुछ अलग अलग फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, तो लैक जो होता है ना, एक ट्विक होती है, इसको हम फिर बाद में प्लांट से टाई कर देते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ब्रूड लैक आप कहते हैं, तो ब्रूड्स अटैच होते हैं इस ट्विक में, एंड इसको आप क्या करते हैं, अपने जो होस्ट ट्री होती है, होस्ट ट्री पे आप इसे टाई कर देते हैं. अब टाई करने के भी अलग अलग मेथड है. ठीक है, आपकी जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस के अकॉर्डिंग आप इसे टाई करते हैं. अगर दो ब्रांचेस के बीच में आपने इसे टाई करना है, तो आप उसको कुछ इस तरह से टाई करते हैं. ठीक है, नहीं तो अगर आपकी ब्रांच ऐसी है तो आप उसे ऐसे टाई करते हैं. ठीक है, तो टाई करने के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, आपकी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग आप उसे टाई करते हैं. ओके, क्योंकि क्या होता है, यूजुअली जो लैक इंसेक्ट है वो ऐसा माना जाता है कि जो लैक इंसेक्ट होता है, तो वो जब बाहर रिलीज होता है, तो वो यूजुअली ऊपर की तरफ को रिलीज होता है. तो हम उसे जब टाई करते हैं ना, तो हम कुछ इस तरह से टाई करते हैं, तो वो रिलीज होके ऐसे ऊपर की तरफ को पूरा आपका जो ट्री स्पीशीज होता है उसको कवर कर लेता है. ठीक है, आप क्या करते हैं, पहले से इनोकुलेट करते हैं. आप सबको पता है इनोकुलेशन क्या होता है. ठीक है, तो ये आपका एक एज ए इनोकुलेंट ग्रो करता है. इससे फिर आपका क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है वो रिलीज होता है एंड वो पूरे होस्ट ट्री को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है. फिर आप उस होस्ट ट्री से अपनी क्रॉप लेते हैं. तो लाख से लखपति आप कैसे बन सकते हैं, तो बेसिकली लैक से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिराइव होते हैं. प्लस आपका जो ये लैक का कल्टीवेशन होता है, ये एक मार्जिनल लैंड पे या फिर आप वेस्ट लैंड में आप इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं. ठीक है, अब वहां पर आपके ट्री स्पीशीज प्रेजेंट होने चाहिए, तो वहां पर आप इसे कल्टीवेट कर सकते हैं. आपकी मेन इनकम, मतलब आप कोई और सोर्स ऑफ इनकम ले सकते हैं, उसके साथ साथ आपको सब्सिडरी लैक की इनकम
मिल ही जाएगी, ठीक है, कि दो स्ट्रेन्स होते हैं जो आपके कुसुमी स्ट्रेन और रंगीनी स्ट्रेन्स होते हैं, उसमें क्या क्या आते हैं, कुसुमी में आता है आपका जेठवी एंड अगर, एंड रंगीनी में आता है आपका कार्तिकी एंड बैसाखी, ठीक है। तो छः छः महीने के इंटरवल में ये मैच्योर होते हैं, ओके। अब इसको कल्टिवेट बेसिकली किया कैसे जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल ट्री स्पीशीज, मीन्स आपको वो ट्री स्पीशीज सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी कुसुमी स्ट्रेन है तो कुसुम ट्री पे आपने उसे वो आपने होस्ट स्पीशीज लेनी है। वेदर आपका अगर आपका रंगीनी स्ट्रेन है तो उसके अकॉर्डिंग आपने फिर अपनी ट्री स्पीशीज को चूज करना है। नेक्स्ट होता है ट्रीज आर कट, ट्रीज आर कट मीन्स मतलब पूरा नहीं काटना है, उनकी कटाई छटाई करनी है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कटाई छटाई कर देते हैं ताकि जो उसमें जो रेजिडुअल इंसेक्ट हो या फिर ट्री का जो प्रॉपर शेप हो वो अटेन हो सके, ठीक है, उसमें कोई भी इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन ना हो। तो इन्फेस्टेशन के लिए आप क्या कर देते हैं, उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग कर देते हैं हल्की हल्की, ठीक है। रूट लेग टाइड टू द ट्री, अब मैंने आपको जो बताया है कि वो आपने ट्विग, उस ट्विग को आप क्या करते हैं, पेड़ से टाई कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, आपकी ट्री स्पीशीज को कवर कर लेता है। तो क्योंकि रिमूवल मीन्स क्या होता है, ये जो आपका स्टिक है ना, इस स्टिक को आप रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, इस स्टिक को रिमूव कर लेते हैं, इसको आप स्टिक लैग भी बोलते हैं, तो दैट इज फूकी रिमूवल, ओके। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप इस रेजिन को स्क्रैप कर लेते हैं, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, इसको ड्राई कर लेते हैं, ठीक है, तो दैट इज ड्राइड, ओके। आप इसे, आप किसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्टिंग यूजली 6 महीने में हो जाती है, जैसे कार्तिक की हार्वेस्टिंग होती है बेसिकली अक्टूबर नवम्बर में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या करते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, एंड उसके बाद आप क्या करते हैं, जो आपने वो लैग को रिमूव किया है उसको आप ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद आप उसे प्रोसेस करते हैं, ओके, मींस उसके बाद जब आपने ड्राई करके ग्राइंड करके, उसके बाद होता है आपका ग्राइंडिंग, ठीक है, आप उसे ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद आपके पास कुछ फाइन मटेरियल आपके पास आ जाता है, तो आप उस फाइन, जो आपका फाइन मटेरियल होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सीड लैग। अब उस सीड लैग को आप फर्नेंस में यूज, मतलब उसको फर्नेंस के थ्रू, अगर उसमें फर्नेंस भट्टी में उसको रखा जाता है, तो दैट कन्वर्ट्स इट इनटू बटन लैग, वैसे बटन बटन की शेप में आपका कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज बटन लैग। उसके बाद आप उससे क्या डिराइव कर सकते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आपसे बना सकते हैं, तो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ लैग कल्टिवेशन, ओके। अब इसमें आपके पास, अच्छा इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो हार्वेस्टिंग अगर आप इमेच्योर हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसे आप एरी लैग कहते हैं, ठीक है, मतलब आपके जो जो आपका इंसेक्ट है वो क्या होता है, वो हर्ट हो जाता है, अगर आप उसमें क्या करते हैं एरी लैग के लिए जाते हैं, तो इंसेक्ट क्या हो जाता है, हर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर आप मैच्योर लैग को, मैच्योर लैग को हार्वेस्ट करते हैं, तो दैट इज मैच्योर हार्वेस्टिंग, ओके। तो ये दो चीजें हैं। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन लाई हूँ, आपने इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द टाइप ऑफ रंगीनी लैग, ठीक है, तो आपने बताना है कि इनमें से रंगीनी लैग का कौन सा टाइप है, वैसाखी, अगन, जेठवी, कार्तिकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केरिया स्पीशीज इज अ स्पीशीज ऑफ लैग इंसेक्ट, कौन सी, देखिए मल्टी वोल्टाइन, यूनि वोल्टाइन, बाई वोल्टाइन, मीन्स ये होता है आपकी लाइफ साइकिल के ऊपर, ठीक है, तो लाइफ साइकिल की जनरेशन कितने टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो रही है, दीज आर दोस थिंग्स, एंड आपने बताना है कि ये कितने, ये कौन सा वाला फेज पास करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होस्ट प्लांट ऑफ लैग कल्चर, आपको मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट होस्ट स्पीशीज होती हैं, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी होस्ट स्पीशीज होती है जो लैग कल्चर में यूज की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैग इंसेक्ट बिलोंग्स टू द ऑर्डर, अब आपको पता है इंसेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, 8 आप क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिकली, जो आपके इंसेक्ट ऑर्डर होते हैं वो 8 होते हैं, ऑर्थोप्टेरा में आप क्या पढ़ते हैं ग्रासहॉपर्स, कॉकरोचेस के बारे में, हेमिप्टेरा में आपकी क्या आती है बग्स आती है, हाइमेनोप्टेरा में आती है आपकी हनीबीज, कोलियोप्टेरा में आती है आपकी बीटल्स एंड वीवल्स, एंड लेपिडोप्टेरा में आता है आपका मॉथ एंड बटरफ्लाई, तो आपने बताना है कि लैग इंसेक्ट का कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्किन में से कौन सा स्टेट है जो लीडिंग है इन केस ऑफ लैग कल्चर, ठीक है, तो लैग प्रोडक्शन में कौन सा आपका लीडिंग स्टेट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप अपने आंसर कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा।
एंड आपको जो टॉपिक लगता है कि इसको यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए अंडर सीपीएसएस, तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.